Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. परे परे जुदा जुदा तेरी तरह मुझे लगा मेरा नहीं ये दिल मेरा तुझी से है ये जा मिला अलीबख्श मैं 8:30-9 बजे तक ऑफिस जाऊंगा। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। नूरे जान कैसी? जी बिल्कुल ठीक है, सो रही हैं, बस उठने वाली हैं, यूनिवर्सिटी जाना है। उठ जाए तो साथ नाश्ता कर। जी बहुत बेहतर। दुनिया की लड़कियां ढंग से सोती हैं और एक शे लड़की है, हर एक लड़कियों को कोई तमीज होता है, तरीका होता है, और ये हमारी एक शहजादी साहिब है। अरे बेटा, ये बेड पे घड़ी की सुइयों की तरह गोल गोल घूमकर सोना कब छोड़ोगी? उठ जाओ मेरी जान, सुबह हो गई है, उठो देखो तो सही कितनी प्यारी सुबह है। सोने दूँ? सोने दूँ तो यूनिवर्सिटी कौन जाएगा? मैं? आपको भी तो पता चले पढ़ना कितना मुश्किल काम है। बेटा वक्त तो देखो क्या हो गया, फिर यूनिवर्सिटी से लेट हो जाओगी। उठो, बाबा जान भी नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान आ गए? कब? अभी थोड़ी देर हुई है। यार बोल जी, असली बात तो पहले बता। ध्यान से, चोट लग जाएगी। असली बात तो बताई नहीं आपने। सोने पे लेक्चर दिए जा रही है। बुआ जी मेरी जल्दी से कपड़े निकाल दे, मैं 2 मिनट में शावर लेके आ रही हूँ। ओके? अच्छा ये तो बताओ कौन से कपड़े? ओहो कोई भी निकाल दे, आगे रंग में हर कलर में अच्छी लगती हूँ, जल्दी। अमान बेटा जूस। शुक्रिया। आपकी कुछ डाक आई थी, मैंने गाड़ी में रखवा दी है। ठीक है, वो मैं शायद रात को ना आऊँ, कुछ ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर्स आए हैं तो उनको प्लांट दिखा रहा हूँ, तो कल वापसी होगी। ठीक ठीक। और बस शेरू को जरूर वक्त पर ले जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक। सलाम। कहाँ है नूरे जा? जी वो आ रही हैं, आप नाश्ता शुरू करें। नहीं नहीं
वो आ जाए तो शुरू करता हूँ। आगा जान। अरे आगा जान की जान, मेरे जान, मेरी आंखों का तारा, कैसा मेरा बच्चा? आपका बच्चा आपके बगैर बहुत उदास था। पहले आपने जर्मनी और फ्रांस में 2 हफ्ते लगा दिए और उसके बाद इस्लामाबाद आने के बजाय कराची चले गए और फिर कराची से इंटीरियर सिंध में न जाने कहां कहां घूमते रहे। मेरे जान बहुत सारे काम थे, बिजनेस की डील्स थी। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी जान को एक पल के लिए भी ना छोड़ूंगा। इधर आओ। वैसे मैंने आपकी खुशबू को बहुत मिस किया। सॉरी आपको मेरा वेट करना पड़ा नाश्ते पे। कोई बात नहीं। वैसे मजाल है कि एक दिन भी बुआ मुझे टाइम पे उठा दे। आई नो अब आपको यही कहेंगी कि मैं तो काफी देर से उठा रही थी, यही नहीं उठ रही थी। नरगिस बुआ, नूरजान को वक्त पे उठा दिया करें। और बुआ कल से आप मुझे टाइम पे उठाएगा ताकि आगा जान को मेरा वेट ना करना पड़े। आप कर लेते ना नाश्ता, खाना खा आपने वेट किया मेरा। वैसे एक बात बताओ, कब ऐसा हुआ कि आगा जान ने तुम्हारे बगैर नाश्ता किया? जब तक मेरी नूरजान नहीं आती मैं नाश्ता नहीं शुरू करता। और आगा जान को अच्छा लगता है कि वो पहला निवाला अपने हाथ से अपनी नूरजान को खिलाए। आई नो मैं आपकी फेवरेट हूँ। साहब वो कुत्ते ने रात से कुछ खाया नहीं। उसका नाम शेरू है, उसको भूख लगेगी तो आप उसको खिला दें। वो नए बंदे के हाथों से थोड़ा वक्त लगेगा मानूस होने में। साहब मैं अभी उसके लिए ताज़ा रातें बना देता हूँ, लेकिन साहब सिर्फ डॉग फूड को वो ही नहीं लगाया। मैं नहीं होता तो वो उदास हो जाता है, तो उसका बहुत ख्याल रखना होगा आपने। इस घर में बस हम दो ही तो हैं। जी जी समझ गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसी हो? गुड, हाउ आर यू? गुड यार, कौन सा क्या चल रहा है? डेयरी फॉर की अडैप्टेशन है। ओह अच्छा कर रहे हैं। कैसी चल रही है साकिब भाई की शादी की तैयारियाँ? यार मत पूछो, शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है लेकिन मुझे यहाँ कुछ पसंद ही नहीं आता है। वेडिंग ड्रेसेस के अलावा पाकिस्तान में और कुछ भी खरीदने को नहीं है। मामा ने भी सारी शॉपिंग पेरिस और फ्रांस से की है और मैंने अपनी ज्वेलरी भी दुबई और फ्रांस से ली है। ओके ना, हम लोग लाइब्रेरी जाए। खैर तुम बताओ अंकल कैसे? ही इज गुड, उनको बहुत मिस करते हैं। गौरी अंकल को वो भी बहुत मिस करते हैं। ऐसे अंकल को एक्शन। चलो यार मैं चलती हूँ, मिलते हैं। ओके बाय। हो गई तुम्हारे प्यारे अंकल की नखीली बेटी से बात है। ओके वैसे पाकिस्तान में अगर तो कुछ ढंग का मिलता नहीं है तो बेबी रहती क्यों है यहाँ पे? जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो अपने मुल्क में रहते हैं और उसी की बुराइयाँ करते हैं सिर्फ कूल बनने के लिए। यार मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम लोगों को नहीं लग रही? चलो कैफे चलते हैं, कुछ खाते हैं। आ जाओ चलो। जी आना बेबी चले। मैं कुछ खा के आ जाऊँ, बहुत भूख लगी है। कैफेटेरिया जा रहे हैं। कैफेटेरिया से आप कुछ नहीं खा सकती, साहब ने मना किया। आपका खाना गाड़ी में रखा है। ठीक है फिर आप गाड़ी से ले आए। ये लोग खा सकते हैं, इन्हें इजाजत है? जी बेबी चलो। नूरजान वारी का फोन आया था, वो पूछ रहा था कि तुम साकिब की शादी पे जा रही हो ना? ओ मैं तो भूल ही गई, नेक्स्ट वीक से तो साकिब भाई की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं।
आंटी से बात हुई थी, बता रही थी कि संगीत रखा है उन्होंने पहले। हाँ भाई, और ये बहुत एक्साइटेड है, उसके घर की पहली शादी जो ठहरी। मजा आएगा वैसे, काफी दिन हो गए मैं किसी शादी पे भी नहीं गई, आप चलेंगे ना? मेरा क्या काम होता, ये ढोलकी वोलकी पे तुम लोग जाओ, मैं बस शादी और बनी पे आऊंगा। गए अकेले क्यों खड़े हुए? क्या यहाँ खड़ा हुआ तुम्हें बुरा लग रहा हूँ? नहीं बुरे तो नहीं लग रहे, बट आए ना डांस करें, ऐसा लग रहा है बहुत बोर हो रहे हैं। ये आपकी गलत फहमी है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। यानी आप नहीं आएंगे, यही बुजुर्गों की तरह बैठे रहेंगे, आई मीन खड़े रहेंगे। तुम जाओ एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई क्यों तंग कर रही हो मान को, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि भाई ये आ नहीं रहे डांस करने, यहीं पे खड़े हुए। चल ना तुम जाओ, भाई की फंक्शन है यार, जाओ जाओ आप आए, चलिए मुझे ये डांस, आप आके डांस करें आप, चलिए आ जाए। अरे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? काफी देर से नोट कर रही हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं, मैं आपको ही देख रहा था। एक्चुअली मैं कभी-कभी स्केचिंग करता हूँ और यहाँ थोड़ा बोर हो रहा था तो आप पर नजर पड़ी तो सोचा कि स्केच बना लूँ। आई होप आपने माइंड नहीं किया, वैसे तो मुझे पहले इजाजत लेनी चाहिए थी बट पता नहीं क्या हुआ। अच्छा हुआ आप खुद आ गई, वरना मैं खुद आपको दे देता। ये आपके लिए नूरलाइन। आपको मेरा नाम कैसे पता है? ओ, डांस करते हुए किसी ने आपका नाम लिया, काफी रात हो गई है, मैं बोर हो रहा हूँ, मिलते हैं वापस। कब करके रखती हूँ, फिर उसको शान का कैसे पता? कौन था? अरे है ना, अभी तक वहां क्या कर रही हो? आ जाओ बेटा, मैं ये दूध ले आई हूँ, दूध पियो और सो जाओ। बुआ मेरे छोटे बाल बचपन के अलावा तो कभी नहीं थे, है ना? अरे ये तुम्हें रात को कैसी बातें सूझ रही हैं? बुआ बताए ना, याद करे। हाँ शायद कभी बचपन में थे, लेकिन तुम्हें क्या सूझी आधी रात को? कहीं तुम ये बाल कटवाने का तो नहीं सोच रही? बिल्कुल भी मत सोचना, बहुत खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। कौन था? मैं तो उसे जानती तक नहीं,
कभी पहले मिली भी नहीं। किसको? वो उसको मेरा नाम भी पता था, मैं उसका नाम भी नहीं जानती। किसका नाम नहीं जानती? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो रात के वक्त, फल्ला। वो कौन था? ये क्या कौन था की रट लगा रखी है आधी रात को? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या ऑल फाल बोल रही हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है। चलो आओ फटाफट दूध पियो, खुद भी सो जाओ और मुझ बुढ़िया को भी सोने दो। अब इस उम्र में तुम्हारी खातिर आधी आधी रात को लड़के लड़कियों का नाच और गाना देखना बाकी रह गया था। आ जाओ अब। आ रही हूं। ना बेटा, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, अपना आयतुल कुर्सी पढ़ दिया ना, तो आगा जान भी घर पे है। जब वो घर पे होते हैं तब मुझे डर नहीं लगता। सोचो आपके लिए नूरलैन, काफी रात हो गई है, मैं बोर हो रहा हूं, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब कैसे मूड है तुम्हारा? अब ठीक है, दो दिन से मुंह खुला ढूंढ रही, बस अजीब चिड़चिड़ी सी हुई थी और कभी कभी चिड़चिड़ापन होने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें तो पता है मैं कितनी मूडी हूँ। हाँ भाई, आज जैसे शख्सियत मूडी तो हो सकती है। अब क्या हुआ है, इतनी गुमसुम क्यों? अरे बताओ ना। जब मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगी? नहीं, किसी को बताओगी नहीं? अरे नहीं बाबा, बोलो। चलो, पता नहीं क्यों मुझे काफी टाइम से लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। कब से? I don't know, हो सकता है मेरा वहम भी हो। Listen, this is serious, okay? तुम्हें फौरन अंकल को बता देना चाहिए। अल्लाह की बंदी पागल हो गई। आगा जान को बता दिया ना तो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। वैसे ही अली बख्श को हर जगह मेरे साथ साथ भेजते हैं। अगर ये बात उन्हें बता दी तो घर से निकलना पक्का बंद। कहाँ की केमिकल इंजीनियरिंग और कहाँ की सब खत्म करवा के ना मुझे कैद में बंद कर देंगे, कहीं निकलने नहीं देंगे। आई नो हिम। पर फिर भी है, दिस इज सीरियस, तुम्हें अंकल और बुआ जी के नोटिस में ला देनी चाहिए बात। खतरनाक हो सकता है यार। यार मैंने तुमसे एक बात शेयर की थी, तुम तो मुझे और डरा रही हो। आगा जान कम नहीं थे मुझे डराने के लिए। 24 घंटे गार्ड्स की फौज होती है मेरे साथ। तुम्हें पता है आगा जान को तो ये लगता है कि जैसे कोई मुझे किडनैप कर लेगा। अरे भाई, किसी को क्या पड़ी है मुझे किडनैप करने की? मुझे लगता है उनके इस खौफ की वजह से ना मेरे दिल में भी खौफ पैदा हो गया। ओह माय गॉड, हमारी क्लास में सो जाएगी, उठो। तुम भी बस बातों में लगी हो, मुझे पहले ही याद कर। अमान, तुम बिरयानी तो दो। कोशिश करूंगा, सब कुछ ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं करना, सब कुछ खाना है। रशीदा, कोई कबाब तो ले आओ। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मेरा ही घर है, मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ। हाँ, दिल खुश कर देने वाली बात की। पापा, आप भाभी को अपनी और अमान की पहली फिल्मी मुलाकात के बारे में क्यों नहीं बताते?
क्या याद दिला दिया तुमने आसिया भाई। वो मैं स्पेन गया था किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, हम एक ही होटल में ठहरे हुए थे। पता नहीं उस रात को मुझे कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई थी शायद, कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, तबीयत बिगड़ गई थी। अगर अमान मुझे बर वक्त हॉस्पिटल ना ले गया होता तो शायद मैं अपने कमरे में उस दर्द से तड़प तड़प के मर ही जाता। कैसी बातें करें बाप, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन। तो फिर ऐसे हुई पापा और अमान की स्पेन में बहुत गहरी दोस्ती, और फिर अमान खास तौर पे पापा और हम सबसे मिलने आए थे पाकिस्तान। और उसी स्टे में अमान को पाकिस्तान इतना पसंद आया था कि इसने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया था, और अब जनाब इंग्लैंड में भी अपना बिजनेस देख रहे हैं और पाकिस्तान में भी। लिहाजा इनका एक पाँव पाकिस्तान में और एक यूके में। इज अ वेरी बिजी पर्सन नाउ। वैसे अमान भाई आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे, लगता ही नहीं कि आपने सारी जिंदगी इंग्लैंड में गुजारी है। यही तो बात होती है खानदानी लोगों की, अपने घर से दूर रहकर भी अपने कल्चर और अपनी जबान नहीं भूलते। एंड आई एम श्योर अमान के घर का माहौल यही होगा, इसलिए आज तक वो ना अपनी जबान भूला है ना ही अपना कल्चर। क्यों अमान? बिल्कुल ठीक कह रही आंटी, मेरे घर का माहौल बिल्कुल ऐसा ही था, सेम वैल्यूज। कैसा दिन था तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आज? एज यूजुअल हेक्टिक था, पर आज मेरा मूड भी ऑफ रहा। क्यों? नया लड़का आया है हमारी यूनिवर्सिटी में, इतना चीप है, मेरी उससे कोई दोस्ती भी नहीं है, बिला वजह की दोस्ती झाड़ने लगा। मुझे कॉफ़ी ऑफर की, मैंने मना कर दिया तो मेरे पीछे पड़ गया, इंसिस्ट करने लगा। फिर आप बताई थी डिपार्टमेंट के दो तीन लड़कियों के पीछे भी इसी तरह पड़ा, मुझसे पहले बुक्स मांगने लगा फिर नोट्स मांगने लगा, अजीब पागल साइको। खैर आगे एक बहुत अच्छी चीज़ भी हुई, मेरा क्विज था ना, हाईएस्ट मार्क्स आए मेरे। क्या नाम है उस लड़के का? किसका? वो जिसने कॉफी पिलाने को कहा था। सरफराज चौधरी। सरफराज चौधरी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, सरफराज चौधरी। आप लोगों को पता है कि ये मंडे मीटिंग्स को मैंने अपने ऑफिस कल्चर का हिस्सा क्यों बनाया? ताकि हम हर हफ्ते के स्टार्ट पे अपने टारगेट्स पर फोकस कर सकें। नाउ द टारगेट इज द मेन प्रायोरिटी। हमसे जो गलतियां हुई हैं उन पर रोने से बेहतर नहीं है कि जो हम काम करने जा रहे हैं उस पर फोकस कर सकें। नाउ द टारगेट इज लाइक अ मिशन and the mission must be achieved at all costs. Never forget the target. So, Saki Saab, sir, what's the plan for this week? नूरे जान,
क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? चीकों पे चीखे आ रही है तुम्हें कुछ नहीं? नरगिस बुआ, अली बख्श, कहां रह गए तुम लोग? बीबी की तबीयत खराब है, जाके सारी एसी और पंखे बंद करवाओ घर के। आगा जान, सिर्फ तीन चीखे आई हैं, एग्जैजरेशन की भी हद होती है। और कहां होती है आप नरगिस बुआ? इसका ख्याल रखना आपका सिर्फ काम है और कुछ नहीं। चीखों पे चीखे आ रही है इसके और आपका कुछ पता ही नहीं है। आप थोड़ा सा ख्याल नहीं रख सकती? अली बख्श, तुम तो नूर के साथ होते हो कि नहीं? जी साहब, हर वक्त। तुम्हें पता है ना इसे खट्टा और ठंडा बिल्कुल सूट नहीं करता। यकीनन इसने यूनिवर्सिटी में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। कुछ नहीं खाया था। नहीं खाया तो पीछे के कैसे आ रही है तुम्हें? साहब डॉक्टर को बुलाना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हो गया आप लोगों को? हाँ ठीक हो तुम, जुकाम हो गया तुम्हें। जय नरगिस बुआ, थर्मामीटर लेकर आए। और खड़े हुए क्या कर रहे हो? कंबल और दूध लेकर आओ। अरे क्या करती रहती हो बेटा तुम अपने साथ? सर्दी लग रही? दे ना मुझको। लाभ मुझे तो चलती। शुक्र है खुदा का तुम्हें बुखार नहीं है। खेले आगा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तीन चीखों की वजह से आपने पूरा घर सर पे उठा लिया। I'm fine. बेटा मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, आपको ख्याल रखना चाहिए। एसी और पंखे तो बंद होने चाहिए ना इस वक्त। जी मैं आइंदा एहतियात करूंगी। ये लो, मैं दूध नहीं पीऊंगी। नहीं दूध पीना पड़ेगा तुम्हें, तबीयत कैसे सही होगी तुम्हारी? आपको पता है मुझे दूध नहीं अच्छा लगता। पता है मुझको। आइंदा ख्याल रखिएगा इनका। जाएं आप लोग। आप क्या कर रहे हैं? सब मैं स्टडी में रखा था। नहीं नहीं आप मेरे बड़े। गर्मी लग रही है, पंखे भी बंद है, एसी भी बंद है, ऊपर से ब्लैंकेट। आप लिटरली मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। सब मेरा मजाक उड़ाते होंगे, दिली दिल में हंसते होंगे मुझ पर। मजाल है किसी की जो मेरी नूरे जान का मजाक उड़ा है? तभी कैसी है? ठीक है, पंखे और एसी कब तक बंद रहेंगे? जब तक मेरी नूरे जान बिल्कुल ठीक ना हो। दुनिया में तुमसे ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं। जान प्रॉमिस बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रस्ट हूँ। कहाँ ठीक हो तुम? चीखों पे चीखे आ रही थी तुम्हें, अगर ठीक हो तो। आगा जान वो जो मेरा क्लास फेलो नहीं था सरफराज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, वो जिम से निकला है, उसे कुछ लड़कों ने पकड़ा है और मारा है, बहुत बुरे तरीके से मारा है, रोड पे ही फेंक के चले गए। वही सैड, बहुत अफसोस हुआ मुझे। हालात फिर खराब हो गए, मगर मारा किसने होगा? अच्छा देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ज्यादा बातें मत करो। दूध भी नहीं खत्म किया तुमने, चलो दूध पियो। चुप पीती हूँ। आपको जाना नहीं था? आपको देर हो गई होगी। नहीं, मैंने अभी सारी मीटिंग अपनी कैंसिल कर दी है। नो ऑफिस टुडे, मैं अपनी नूरे जान के साथ हूँ। आगा जान खुदा के वास्ते मेरी तीन चीखों की वजह से ना अपनी मीटिंग्स को कैंसिल मत कीजिएगा। आई एम फाइन। नो मीटिंग्स टुडे, बस मैं घर पर हूँ। आज डिनर हम साथ करेंगे।
ओके पता है नूरे जान, जब तुम खुश होती हो ना तो मैं जी उठता हूं। थोड़ी सी भी उदास होती हो या तबीयत खराब होती है तो सारी कायनात मुझे बुरी लगने लगती है, दम घुटता है मेरा। बस इसी तरह हंसती रहा करो तुम। I love you. आज फिर कोई बोरिंग सा लेक्चर सुनने को मिलेगा। सुने को नया प्रोफेसर आया है। यासर से पूछो, उसने गूगल की होगी स्किन प्रमोशन। लेकर आया हो ना? एक है ऑयल रिफाइनरी के सीईओ मिस्टर अमानुल्लाह खान, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, लंदन में अपना फैमिली बिजनेस चला रहे थे और फिर यहाँ आकर उन्होंने आगा ऑयल रिफाइनरी को टेक ओवर कर लिया जिसके दिवालिया निकल चुके थे। एंड एज पर गूगल हिज कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। बातों से तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अल्लाह करे बंदा भी इंटरेस्टिंग हो, बातें भी इंटरेस्टिंग करे। वाकई लास्ट टाइम जो बंदा आया था अजीब खड़ूस था, डेढ़ घंटे तक ना दिमाग पकाता रहा हमारा लिटरली। Oh my God, कितना handsome है ये। या वैसे किसी company के CEO से ज़्यादा तो ये कोई film star लग रहा है मुझे। इतने handsome बंदे का lecture सुनेगा भी कौन? इसको देखने से फुर्सत मिलेगी तो ना। क्लास, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब अमानुल्लाह खान साहब। अमानुल्लाह साहब AK ऑयल रिफाइनरी के CEO हैं। आज पाकिस्तान ऑयल एंड गैस सेक्टर में AK ऑयल रिफाइनरी एक बड़ा नाम बन के उभर रही है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में AK ऑयल रिफाइनरी के शेयर्स के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सब जनाब अमानुल्लाह खान साहब की अनथक मेहनत का नतीजा है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज अमानुल्लाह खान साहब अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाल सके हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो पोडियम पर आए। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अमानुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। लेट्स मेक दिस अ लिटिल इनफॉर्मल, हां, वी आर ऑल द सेम एज। पाकिस्तान में बहुत कम स्टूडेंट्स पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग स्टडी करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने आपकी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल की है तो सब बाहर चले गए, कुछ UK, कुछ US, कुछ मिडिल ईस्ट। अब मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं जाके बाहर से लोगों को हायर कर सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, चाइना से। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में होते हुए पाकिस्तानियों को क्यों नहीं हायर करूँ। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, बल्कि तमाम पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करूँ। हमारी कंपनी आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेंगे और उनको स्कॉलरशिप्स देंगे। जो स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्म करेगा उनके डीन्स जो हैं उनको रेफर करेंगे और हमारी कंपनी आपको फुल स्कॉलरशिप देगी UK और US के लिए। बस हम एक चीज़ चाहते हैं, आप मास्टर्स कर लेंगे तो आप वापस पाकिस्तान आएंगे, हमारी कंपनी के साथ 3 साल गुजारेंगे, उसके बाद आपको जो कुछ भी करना है आप कर लें। बस मैं समझता हूँ कि हम अगर एक लोकल वर्कफोर्स बना सकते हैं तो उसमें सिर्फ हमारी कंपनी का फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी हियर। वालेकुम सलाम। सो एनी क्वेश्चंस? सर, इंटर्नशिप हासिल करने के लिए कितने GPA चाहिए होगी? देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट तो 3.2 है, लेकिन हम सिर्फ GPA पे नहीं चलते,
हम आपका पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, आप आते हैं एक इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन एज वेल, तो जिनकी जीपी अच्छे से उनको इंटर्नशिप मिल सकती है, मतलब बाकी स्टूडेंट्स जिनकी नहीं आ पाती और वो हार्ड वर्किंग होते हैं तो उनका क्या? देखिए इट्स नॉट एट द एंड ऑफ द डे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जीपीए, आपकी जीपीए का मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 3.2 है, पर उसके अलावा हम फिर भी देखेंगे, यू नो वो इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत कुछ पता चल जाता है। सर इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स के सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है? आई मीन क्राइटेरिया इट्स क्वाइट बेसिक, यू नीड अ डिग्री इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। मेरा बैग देना, क्यूट था यार, क्यूट था। आज तो शाम को सब पिक्चर्स ले लेते हैं। तुम लोगों का मान से मिलना है ना, आओ मैं मिलवाती हूँ। नहीं यार अच्छा नहीं लगता वो कैफेटेरिया डीन के साथ है। ऐसा कुछ नहीं होता, स्टूपिड मत बनो। अमान इज फैमिली, अमान बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर जैसे हैं। अभी लास्ट संडे ही उनके घर पे डिनर था, भाई की शादी की खुशी में उन्होंने दावत रखी थी हमारी। मेरी फ्रेंडशिप और फ्रैंकनेस उनसे इतनी ज्यादा है ना, ये सब तुम लोग खुद देख लेना। तो आओ जिसको आना है, मैं जा रही हूँ। ओके हाँ हाँ तुम जाओ मत। ये आपके लिए नूरन है। ठीक है ठीक, मैं आपको ही देख रहा था। कभी कभी स्केचिंग करता हूँ और यहाँ थोड़ा बोर हो रहा था तो आप पर नज़र पड़ी, सोचा कि स्केच बना लूँ। आई होप आपने माइंड नहीं किया, वैसे तो मुझे पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी बट पता नहीं क्या हुआ। मेरा नहीं ये दिल मेरा तुझी से है।